नमस्कार, मैं डॉक्टर उमा राठौर, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। पहले आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड में थर्मोडायनेमिक्स में पिछले लेक्चर में हमने हीट ऑफ न्यूट्रिएशन का अध्ययन किया था। आज हम कैलकुलेट करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में हीट ऑफ न्यूट्रिएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए हम हीट ऑफ न्यूट्रिएशन के लिए थ्योरी का हम पिछले चैप्टर में अध्ययन कर चुके हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो रहेगा हमारे पास वी प्लस डब्ल्यू टी टू माइनस टी वन इंटू 1000 अपॉन एन वन इंटू वी वन कैलोरी पर इक्विवेलेंट। अब जो डब्ल्यू है यहाँ पर वो है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ थर्मस फ्लास्क। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि थर्मस फ्लास्क लेते हैं। उस थर्मस फ्लास्क के साथ साथ हमें बीकर और थर्मामीटर की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हम लगभग 100 ml कोल्ड वाटर लेकर उसका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं और इतना ही 100 ml वाटर लेके उसे गर्म करेंगे। लगभग 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, और उसके बाद हम 100 ml जो कोल्ड वाटर था और 100 ml ही हमारे पास जो हॉट वाटर है, इन दोनों को मिक्स करके थर्मस फ्लास्क में मिक्स करेंगे और अच्छे तरह से ब्लोडक से हिलाने के पश्चात, ये हमारा गैस स्टिरिंग है, स्टिरर है, इसे अच्छे से हिलाने के पश्चात में हम इसका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। तो इसके अंदर इतना नोट करने के पश्चात में जो एक्सपेरिमेंट का दूसरा पार्ट होता है उसमें हम 100 ml ही HCl लेते हैं, उसका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, या NOH का टेम्परेचर, वो भी इतना ही आएगा हमारे पास में। और साथ में हम क्या करते हैं कि जो 100 ml HCl लिया है या 100 ml NOH लिया है, उन दोनों को मिक्स करके इनके मिक्स का टेम्परेचर भी हम नोट कर लेते हैं। मिक्स हमें थर्मस फ्लास्क में ही करना है। अब कैलकुलेशन के लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा है जिसमें W इज इक्वल टू हमारे पास है इक्विवेलेंट वेट ऑफ थर्मोफ्लास्क और V हमारे पास है टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि इनके मिक्सचर का। अब जो T1 है वो हमारे पास है टेम्परेचर ऑफ या तो एसिड का या बेस का। T2 हमारे पास है जो इनका मिक्स टेम्परेचर है, किसका, एसिड और बेस का। V1 जो है हमारे पास
ये है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एसिड, और N1 जो है हमारे पास है नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोसीजर होगा उस प्रोसीजर में हम देखते हैं सबसे पहले टू प्रिपेयर NaN HCl यानी 1N और 1N ही NOH। तो इसके लिए हम 1N ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और इसका टाइट्रेशन NOH सॉल्यूशन के साथ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर की उपस्थिति में हम करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम निकालेंगे वाटर इक्विवेलेंट, जिसे कि हम W द्वारा शो करेंगे। वाटर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें पता है कि जैसे हम अभी भी बताया था मैंने, जो कोल्ड वाटर है इसका टेम्परेचर हमने माना T1 और अमाउंट हमने ले लिया 100 ml, और जो हॉट वाटर है इसका टेम्परेचर ले लिया हमने T2 और ये भी कितना है हमारे पास 100 ml है। उसके बाद इनको जो मिक्स कर दिया है, मिक्स करने के बाद हमारा टेम्परेचर आया है T3। अब W निकालने के लिए यानी वाटर इक्विवेलेंट W की कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि सपोज वाटर इक्विवेलेंट ऑफ थर्मस फ्लास्क इज W, सेकंड है हीट एब्जॉर्ब बाय कोल्ड वाटर एंड थर्मस फ्लास्क इज इक्वल टू M1 एस T1 या हम ओवरऑल एक फॉर्मूला निकालते हैं इसके लिए, वो है W प्लस 100 T3 माइनस T1 इज इक्वल टू 100 T2 माइनस T3 या W इज इक्वल टू 100 T2 माइनस T3 अपॉन T3 माइनस T1 माइनस 100। ये हमारे पास हमने W का कैलकुलेशन कर लिया। W निकालने के बाद में हम क्या करेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर W निकलने के बाद हम अगला कैलकुलेशन करेंगे कि डिटरमिनेशन ऑफ जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में सेकेंड जो स्टेप में, जिसमें कि हमने क्या किया है कि HCl सेकेंड स्टेप में जो हमने HCl लिया है NHCl, उसके लिए जो मात्रा है वो तो है 100 ml और साथ में जो टेम्परेचर है इसका हमने NaHCl या NOH का अलग अलग लेंगे, तो इसको हम मान सकते हैं T4 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी जो मिक्स टेम्परेचर है दोनों का वो हमारे पास, हमने पहले बताया कि हम थर्मस फ्लास्क में स्टरर की मदद से हम इसे मिक्स करेंगे। यह है T5 डिग्री सेंटीग्रेड और इसकी जो नॉर्मेलिटी है
वो है हमारे पास 1n। अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे इसके द्वारा जो वैल्यू मिलती है इस फॉर्मूले में हम फिट करेंगे तो हमारे पास हीट ऑफ न्यूटिलेशन की वैल्यू हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम थर्मस फ्लास्क की मदद से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में कैलकुलेशन के द्वारा हीट ऑफ न्यूटिलेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं।